Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And the topic for today's lecture is another short portion of your chapter number 5. Aaj hum padhne ja rahe hain classification of viruses and some viral diseases in Pakistan. You know, classification as well as viral diseases, they are also included in the syllabus. Classification to just ek chota sa paragraph hai. पीटीबी के अकॉर्डिंग कि वायरसेस की क्लासिफिकेशन की बेस समटाइम वायरस जो मॉर्फोलॉजी है उसके स्ट्रक्चर वो हो सकता है या फिर मॉर्फोलॉजी के साथ साथ हम इसके न्यूक्लिक एसिड्स को बेस बना सकते हैं कि वायरसेस को क्लासिफाई किस तरह से किया जाना चाहिए. मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल एंड बैक्टीरियल वायरसेस. होस्ट बेस पे भी हम ग्रुप्स बना रहे होते हैं कि ये वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक कर रहे हैं तो ये बैक्टीरियोफेजेस हैं, ये वायरसेस प्लांट्स पे अटैक कर रहे हैं, प्लांट्स को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो ये प्लांट वायरसेस हैं एंड सो ऑन. द जेनेटिक मटेरियल मे बी डीएनए और आरएनए. जेनेटिक मटेरियल की बेस पे हम कहते हैं कि ये डीएनए वायरसेस का ग्रुप है, ये आरएनए वायरसेस का ग्रुप है. फिर इनवेलप की बेस पे आप कह सकते हैं कि ये इनवेलप्ड हैं, ये नेकेड हैं. जिन वायरसेस के गिर्द लिपोप्रोटीन का बना हुआ इनवेलप होता है जैसा कि एचआईवी, उन्हें इनवेलप कहेंगे. जिनमें नहीं है वो नेकेड है. ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के शेप की बिना पे वायरसेस को हम क्लासिफाई करते हैं रॉड शेप सच एज टोबैको मोजेक वायरस, स्फेरिकल सच एज पोलियो वायरस, टेडपुल लाइक सच एज बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस. फर्दर डिटेल्स भी होती हैं क्लासिफिकेशन में. जो अगर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की बेस पे देखें तो तकरीबन 7 ग्रुप्स बनाए जाते हैं. ग्रुप 1 होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ग्रुप 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वायरसेस के अंदर, ग्रुप 3 में डबल स्ट्रैंडेड जो है वो आरएनए हो सकता है, ग्रुप 4 में आरएनए कोडिंग स्ट्रैंड वाला, आरएनए नॉन कोडिंग स्ट्रैंड वाला, फिर इसके अलावा आरएनए, ग्रुप 7 जो है उसमें भी डीएनए प्लस एंड माइनस, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें उनकी मैकेनिज्म डिफरेंट होती है वायरसेस के हवाले से. बहरहाल ये कैटेगरीज पीटीबी में तो गिवन नहीं है, फेडरल की बुक में थोड़ी डिटेल गिवन है इसके हवाले से कि वायरसेस को उनके डीएनए और आरएनए की बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. पीटीबी को देखते हुए आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वायरसेस में डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है. सो दैट वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस. क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट जो है वो शेप्स या डिफरेंट बेसिस आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है ये इनवेलप्ड वायरस होता है. इसके अलावा बैक्टीरियोफेज वायरस, इसकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से व्यू है और जो आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं. इन्फ्लुएंजा वायरस दिखाया गया है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस. इसके अलावा एडीनो वायरसेस, ये उनकी पिक्चर है. और फिर उसके बाद टोबैको मोज़ेक वायरस रॉड शेप और इबोला वायरस, ये शो किया गया है. बहरहाल ये सारी डायग्राम्स आपकी जस्ट असिस्टेंस के लिए हैं, ये सारी बुक से नहीं है. वायरल डिजीजेस जो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है, वायरल डिजीजेस में वो कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है जो